Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and by Acharya Pugh College of Science and Commerce. शुरुआत करते हैं कोविड-19 के केस से। 5 नए पॉजिटिव केसेस आज रजिस्टर हुए हैं और 4 डिस्चार्ज या क्योर केसेस। टोटल एक्टिव केसेस हैं 116। कोई भी डेथ शामिल नहीं है आज के इस बुलेटिन में। ऑडियंस की काफ़ी सारी रिक्वेस्ट के बाद महाराष्ट्र से बॉर्डर से आने वाले लोगों के साथ क्या हो रहा है, क्या उन्हें अंदर लिया जा रहा है या नहीं, इस पर की खबरों पे हमारी टीम ने ग्राउंड रिपोर्ट के लिए अलंग के पास जो बॉर्डर आता है खजूरी से थोड़ा दूर, वहां पर गई हमारी टीम और वहां पर चेक पोस्ट पर किस तरह से एंट्री और एग्जिट हो रही है उस पर नजर डाली। याद रखें, महाराष्ट्र से आने वाले सभी लोगों को अब RT-PCR नेगेटिव सर्टिफिकेट कैरी करना ज़रूरी है, वरना उन्हें वापस भी भेजा जा रहा है। फिलहाल गुलबर्गा से दूर हम लोग अलंद पर हैं, यानी कि अलंद से हम लोग तकरीबन 30 किलोमीटर दूर खजूरी बॉर्डर पर हैं, जहां पर महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में एक बाउंड्री होती है। तो कर्नाटक अगर हम छोड़कर आएंगे तो महाराष्ट्र में इन होती है गाड़ी, यहां से जो गाड़ियां जाएंगे उमरगा लातूर के लिए निकलते हैं। तो यहां पर RT-PCR टेस्ट अगर है तो ही पुलिस डिपार्टमेंट छोड़ा जा रहा है। तो फिलहाल एक व्हीकल हमारे पास यहां पर रुकी हुई है। तो आप क्या पूछा आपको पुलिस डिपार्टमेंट ने? RT-PCR नेगेटिव सर्टिफिकेट पूछा है। ओके, तो आपके पास है? जी है मेरे पास। बसराज बम्बई तो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं, लेकिन आगे वाली कैबिनेट मिनिस्ट्री का क्या होगा? उन्होंने एक दौरा लगाया वापस से दिल्ली, जहां पर खास करके कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात चलने वाली है, क्या क्या मामला चलने वाला है। तो ट्यूसडे के दिन लिस्ट आ सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट से ही, ऐसी खबर आ रही है। बहुत सारे लोग लिस्ट के अंदर हो सकते हैं और बीजेपी के सोर्सेस की बात अगर माने तो पुराने चेहरों को ड्रॉप कर एक न्यू एंड डायनामिक मिनिस्ट्री बनाने का फैसला कर रही है केंद्र सरकार। बसराज बोम्मई ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि JP नड्डा जी जो कि नेशनल प्रेसिडेंट हैं उनसे मुलाकात हुई, लेकिन एक सिटिंग में ये लिस्ट फाइनल नहीं हो सकती है, तो वो एक और बार ट्यूसडे के रोज़ बैठ रहे हैं जहां पर वो नाम फाइनलाइज करेंगे। साथ ही साथ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स कौन कौन रहने वाले हैं इस पर भी बात होने वाली है। अब देखना ये होगा गुलबर्गा से नॉर्थ कर्नाटक से या कोई MLA को मिनिस्ट्री मिलेगी या नहीं। अब बात करते हैं, JDS यूथ टीम ने आज किया प्रोटेस्ट, डिमांड किया कि फार्मर्स के कर्जों को जो माफ किया था कुमारस्वामी सरकार ने उस पर लागू कुछ नहीं हो रहा है। वो बिल्स गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के खास करके माफ नहीं हुए, कर्नाटक भर में ये अप्लाई हो चुका है, लेकिन गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के फार्मर्स को इग्नोर किया जा रहा है। इनका डिमांड ये है कि वो बिल्स को माफ कर दिया जाए और नया बजट इन लोगों के लिए अलॉकेट किया जाए। आज जो है हम जनता दल सेक्युलर की तरफ से यहाँ पर DC ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट कमेटी पूरे तालुका के जितने भी कैंडिडेट्स हैं पूरों को लेके, मुझे सब्जेक्ट क्या है बोले तो ये जो BJP सरकार आने के बाद, BJP सरकार जब से आई हुई है किसानों के बारे में, आवाम के बारे में, गरीब के बारे में, स्टूडेंट के बारे में, आज तक कोई भी सरकार आने के जब से कोई काम नहीं करी है। यहाँ पर किसानों का बिल जो माफ़ करे, आज तक भी तुम पूरे स्टेट के अंदर पूरा लागू हो गया, पूरे किसानों को स्टेट के अंदर दिए, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं दिए। इसीलिए वो हमारा फर्स्ट डिमांड है कि भाई इमीडिएट जो कुमारणा सरकार थी वो फंड जो रिलीज करे थे, रिलीफ फंड देना उनको और जो उनका खर्चा जो है माफ करके नया फंड देना। बल्कि एक यहाँ पर एक पॉइंट रखे हैं, स्लम बड़े नए मकान देते हैं, बल्कि एप्लीकेशन डाली है वो अभी आज तक इम्प्रूवमेंट नहीं करे हैं, खाली पेपर के अंदर ये लोग पूरे BJP जितने भी हमारे लीडर्स हैं बैठ के क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में खाली बोले हम चालू करते हैं, वो अभी आज तक फॉलो नहीं हुआ। उसके बाद बात करते हैं गुलबर्गा लॉरी ओनर एसोसिएशन के बारे में। जी हाँ, इन्होंने एक नई पहल शुरू की है। ये पहल तो हिंदुस्तान भर में चल रही है। ये मामला ये है कि भाई माल जिसका हमाल उसका, यानी कि जो भी माल मंगाता है या भिजवाता है वही अब लोडिंग और अनलोडिंग करेंगे। ये ऐसा मामला है कि भाई लॉरी ओनर एसोसिएशन या लॉरी ओनर्स को प्रॉब्लम ये हो रहा है कि वो ट्रांसपोर्ट करने के बाद जो अनलोडिंग और लोडिंग जो प्राइसेस है वो उन पर आ जा रहे हैं, इसकी वजह से ये मामला सेट नहीं हो रहा। तो चलते हुए गुलबर्गा लॉरी ओनर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बाबू राव साहब और वाइस प्रेसिडेंट यूनुस खान साहब ने भी ये बात मीडिया से कही कि आने वाले वक्त के अंदर गुलबर्गा में भी ये मामला शुरू होगा कि लोडिंग और अनलोडिंग के जो चार्जेस रहेंगे वो क्लाइंट ही पे करेगा, ट्रांसपोर्ट ओनर नहीं पे करेगा। इसकी वजह से कई सारी दिक्कतें जो आ रही हैं ट्रांसपोर्ट ओनर्स को वो रिजॉल्व हो जाएंगी। माल रहेगा तो पार्टी उसको लोडिंग की जिम्मेदारी पार्टी करेगा और पार्टी का माल पार्टी अनलोड करेगा। हमारा काम है सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन करना, हम ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। 15 जुलाई से ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन डिसाइड किया है कि
कि जिसका माल उसका हमाल आगे से, ना वारे देंगे ना हमाली देंगे, ना जो भी लोडिंग अनलोडिंग के ताल्लुक से जो भी चार्जेस रहेगा गाड़ी ओनर ड्राइवर कोई भी नहीं देगा। तो गुलबर्गा में आज के दिन मीटिंग हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है और कल से हमारी यहाँ से मुहिम चालू होगी कि कोई भी अपना अपना गाड़ी जहाँ पर भी लोड करते हैं ट्रांसपोर्ट में, फर्स्ट उससे कंडीशन करिए कि माल जिसका रहेगा वही अनलोडिंग देंगे। ट्रक ओनर ट्रक ड्राइवर वाले ही अनलोडिंग लोडिंग हमारी कुछ भी नहीं देगा वो। उसके बाद बात करते हैं डॉक्टर असगर चुलबुल एक्स कुड़ा चेयरमैन ने लिया वैक्सीनेशन और लोगों से अपील की कि वैक्सीनेशन से डरे नहीं और जल्द से जल्द वैक्सीनेशन ले। हेल्थ सेंटर खानापुर में आज हम सब ने कोविशील्ड का पहला डोज हमने लिया है। पूरे वर्ल्ड में ये प्रोसेस चल रहा है, पूरी दुनिया का जो जनसंख्या है जो आबादी है वो 7.5 अरब लोग दुनिया में बसते हैं, जिनमें अब तक 4 अरब लोगों ने पूरी दुनिया में अलग अलग कंपनीज़ के वैक्सीन को वैक्सीनेट करवाया है। तो मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि हमारे इंडिया में भी भारत में भी तेज़ी से इसका जो प्रोसेस चल रहा है 60% के ऊपर यानी 68% के ऊपर लोगों ने कोविशील्ड लिया है। उसके बाद बात करते हैं फ्री COVID-19 वैक्सीनेशन कैंप रखा गया था फर्स्ट और सेकेंड डोजेस के लिए, ये रखा गया था जिलानाबाद MSK मिल मदीना कॉलोनी के अंदर। जी हाँ, इसे ऑर्गेनाइज किया था सैयद सजाद अली इनामदार जो कि एक्स डेप्यूटी मेयर हैं। उनका यही कहना है कि लोग वैक्सीनेशन से डर रहे हैं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे प्रमोट करना चाहिए और अवेयरनेस लाना चाहिए। उस पर वो उनकी एंटायर कम्युनिटी काम कर रही है और लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला इस वैक्सीनेशन कैंप को। अगर वैक्सीन नहीं लिए कोरोना आया तो उसको बहुत परेशानी होती, लाखों रुपए खर्च होते, दवा खाने में जाना, एडमिट होना, ऑक्सीजन लगाना और जान को भी ख़तरा होता है। ये समझकर मैंने आज मदीना कॉलोनी में वार्ड नंबर 27 में ग्रीन सर्कल पर मेरे जानिब से वैक्सीनेशन कैंप रखा हूँ। आज का वैक्सीनेशन कैंप बहुत सक्सेसफुल चल रहा है। मेरे बहनें मोहतरमा और जो है ना यहाँ के बहुत सारे हजरात जो है ना बहुत अच्छा रिस्पांस दिए हैं, आकर जो है ना वैक्सीनेशन लेकर हैं। कुछ लोग जो है ना कोई वीडियो बना के वायरल कर रहे हैं, अरे वैक्सीन लेने से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वैक्सीन लेने से फला होता है, कुछ नहीं होता है। आज देखिए ब्रिटेन इंग्लैंड के कंट्री में वहाँ के लोग 100% वैक्सीन ले चुके हैं। क्या वो लोग बेवकूफ हैं, क्या वो लोग पागल हैं? अपने घर वालों को आप दो चीज जरूर दे सकते हैं, एक क्वालिटी टाइम या फिर वैल्यूएबल एसेट। जब बात वैल्यूएबल एसेट की आती हो तो अगर वो वैल्यूएबल एसेट अगर प्रॉपर्टी हो तो बहुत ज्यादा काम आती है। 313 डेवलपर्स की रीगल एनक्लेव एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पर आपकी वैल्यूएबल एसेट्स आपको जरूर मिल जाएंगे। रियल एस्टेट में आप क्या देखते हैं? करीब लोकेशन और बेस्ट प्राइस। रीगन एनक्लेव ऐसा ही एक प्रोजेक्ट है जहां पर आप अपने अपनों के साथ खरीद ले सकते हैं। रीगन एनक्लेव, स्टे क्लोज स्टे कनेक्टेड। रीगन एनक्लेव एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो हार्ट ऑफ द सिटी में है। शहर के अंदर के साथ साथ सारे डेवलपमेंट यहां पर मौजूद हैं और ये लेआउट NA और कुडा अप्रूव है। सारे बेसिक एमिनिटीज जस्ट ए वॉक अवे हैं इस प्रोजेक्ट से और इस प्रोजेक्ट के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यूएबल रहेगा क्योंकि महंगाई के जमाने में इन्वेस्टमेंट सेव करने के लिए रियल एस्टेट काफी अच्छी चीज है और इसीलिए रीगल एनक्लेव इसके डेवलपर्स हैं 313 डेवलपर्स। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई इसके एमिनिटीज क्या क्या है? RCC ओपन ड्रेन, UGD वाटर सप्लाई, टार रोड्स ऑफ 30 feet and 40 feet, इलेक्ट्रिफिकेशन, प्लांटेशन, चिल्ड्रंस पार्क, थीम पार्क, जॉगिंग ट्रैक और भी बहुत कुछ। इसका एग्जैक्ट लैंडमार्क अगर हम बात करें तो KNZ फंक्शन हॉल से जो रोड जा रही है AN बैंक्वेट तक, AN बैंक्वेट्स के बिल्कुल लगकर ये लेआउट है NA कुडा अप्रूव। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर आए नंबर पर कॉल करें। और इस प्रोजेक्ट के प्रोमोटर्स हैं GoHash Realtors।
GoHaz.in को सपोर्ट करें एंड लेट्स गो फार फार यानी फास्ट एक्यूरेट रिलायबल। जी हाँ, आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसे क्लिक करने के बाद आपको हमारे मेंबरशिप फॉर्म आएगी, जो फिलअप करने के बाद आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। सो प्लीज डू सपोर्ट GoHaz.in एंड लेट्स गो फार। आखिर में हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपके एरिया में आसपास कोई इशू है या आप कोई चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लैब से जो आप दिखाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें 9113542278। हम जरूर उसे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे और नेसेसरी डिपार्टमेंट तक पहुंचाएंगे और आपकी चीज़ को आगे ले जाएंगे। डेली बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय केबीएन यूनिवर्सिटी, स्टाइल अप एट प्रकाश एशियन मॉल एंड बाय यूनाइटेड डायग्नोस्टिक्स।